नमस्कार दोस्तों, जॉली डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हाजिर है नया वीडियो लेके, और इस बार की जो वीडियो है हीफर्स लेके आए हैं और 50-55 लीटर वाली गाय लेके आए हैं, बहुत ही एक्सीलेंट। और किसान भाइयों, आप देख रहे होंगे कि आज हमने यहाँ पे गाय खुली छोड़ी हुई है, उसका रीज़न भी बताएंगे। सारी बढ़िया वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। उससे पहले जो इस वक्त पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें और अपडेट्स आते रहें। और इस बार जो है गाय सभी हमारी जो है मोस्टली खीरी है, इसमें 4 बछड़ियाँ जो है खीरी है, 2 अपनी सेकंड लैक्टेशन की है और 3 महीने से लेके 7 महीने की प्रेग्नेंट है। 61 सीमन लगे ड्रिफ्टर के और एक ही फार्म से सभी एनिमल्स हमने लिए थे। सो वीडियो मैं शुरुआत करता हूँ, आप देख रहे हैं ये सामने, मैं इससे शुरुआत करता हूँ गाय से कि ये जो गाय है जैकब के सीमन की है, और जो इन दोनों 2 गायों की माँ जो है एंडेवर के सीमन की थी। फर्दर जो है ड्रिफ्टर के सीमन लगे हुए, और फर्स्ट लैक्टेशन में ही गाय ने 42-43 लीटर दूध दिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया फार्म से आई है, NRI है जिनके फार्म से आई हुई है, और ख़ुद वो USA में रहते हैं। बहुत ही एक्सीलेंट, मतलब कि टॉप क्लास के, मतलब के एनिमल्स इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। ऊपर से एकदम स्ट्रेट है, गर्मी में कोई हाफ्ती नहीं, कोई कुछ नहीं, 40-42 डिग्री जो है टेम्परेचर चल रहा है इस वक्त। और ये जो आप हीफर्स देख रहे हैं चारों के चारों, ये चारों हीफर्स अभी रिसेंटली सभी गायें हमारे अभी कल परसों ही हमारे डेयरी फार्म पर आई है, पर गर्मी ज़्यादा होने के कारण गाय क्या है कि स्ट्रेस में आ जाती है, तो उसके कारण आज मैंने अपने फार्म की बैकयार्ड में हमने ये सभी एनिमल्स छोड़ दिए ताकि ये स्ट्रेस आउट ऑफ स्ट्रेस हो जाएं। और साथ में क्या है कि आजकल साइलेज की कमी हुई पड़ी है, तो साइलेज की कमी के कारण ही गाय जो है थोड़ा वीक भी हो जाती है, पर फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि बॉडी वेट फिर भी बहुत एक्सीलेंट है। अभी हम इनको साइलेज नहीं डाल रहे, बीट रूट डाल रहे हैं, मतलब कि उसका अचार डाल रहे हैं, चकुंदर का अचार डाल रहे हैं हम, उसको बीट रूट कहा जाता है। जो हीफर्स हैं सभी की सभी एज अभी 14-15 महीने की एज है हीफर्स की, और इनको भी ड्रिफ्टर के 61 सीमन लगे हुए हैं। सुपर डुपर जो क्वालिटी के हैं, आप बॉडी वेट चेक कर सकते हैं हर एक तरह के। फिर एक ये गाय मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, देखिए क्वालिटी चेक करिए हीफर्स की, सुपर डुपर हीफर्स है पूरे ज़बरदस्त बॉडी वेट के साथ, और अडर की क्वालिटी भी इतनी अभी से इतनी शानदार है कि आप देख लीजिए कि रिज़ल्ट क्या बनेगा। क्योंकि 3 महीने के प्रेग्नेंट हीफर और क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, बहुत रेयर ऐसा बॉडी वेट और लेंथ देखने को मिलती है गायों की। और जो मेसी है ये तो काबिले तारीफ़ है कि मतलब ये 27 जुलाई को इसकी काविंग डेट है, और गाय ने 48 लीटर दूध पहले लैक्टेशन में दिया हुआ, वह दूसरे लैक्टेशन में बच्चा देगी, 6 दांत की हो चुकी है। और मेसी का रिज़ल्ट किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होती कि उसका रिज़ल्ट क्या होता है, वो उसका सीमन ही बता देता है कि उसका रिज़ल्ट क्या है। 27 जुलाई को इसकी काविंग डेट है, ड्रिफ्टर का इसको सीमन लगा हुआ है, और क्वालिटी आप खुद चेक कर लो कि पूरा पीछे से मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेंथ की बात करूँ तो कम से कम 12-13 फीट की गाय है लंबाई में, और बॉडी वेट की बात करूँ 7.5 से 8 क्विंटल की गाय है, और पूरी रोप वाली गाय है, ज़बरदस्त गाय है। क्योंकि ऐसी गाय बहुत रेयर मिलती है, ये गाय सिर्फ आजकल ही निकलती है जब साइलेज बन रहा होता है, क्योंकि आजकल पूरे पंजाब में साइलेज, पहले गेहूं का भूसा बना, फिर अब साइलेज बन रहा है, उसके कारण हमारे को इस प्रकार के अपनी मनमर्जी की जो चीज़ें हमारे को मिल जाती है। अदरवाइज़ जब कोई ग्राहक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, जनवरी में आता है, तो उस टाइम उनको ये चीज़ें ढूंढते पर वो मिलती नहीं है। इस समय में चाहे टेम्परेचर जो मर्जी हो, इनको ना ही ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होगी, चाहे कन्याकुमारी तक कोई इंसान गाय ले जाए तब भी इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। थनों की गैप, हर एक चीज़ अभी तो बिल्कुल हमने ड्राई की है कैप्रावीन की ट्यूब चढ़ा के, फिर उसके बाद अब हमने स्पेशली USA से इसके लिए एक डिप करने वाले, थनों को डिप करने वाली चीज़ मंगाई है, उसके लिए भी बहुत जल्द वीडियो बनाऊँगा, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है वो। सो
ये सभी गाय आज अपनी जो है फॉर सेल है। इसमें एक जर्सी का छोटा काफ है जो लगभग 6 से 7 महीने का है एज में, और खुद जो है वर्ल्ड वाइल्ड के एक्सिस के सीमन का है। सारा पूरा A to Z रिकॉर्ड, किसका मदर का रिकॉर्ड, हर एक चीज़ आप हमारे से ले सकते हैं। जो भी ग्राहक हमारे को टोकन मनी दे के और फिर हमारे से पूरा रिकॉर्ड, जनरेशन का रिकॉर्ड ले सकता है। और रही बात जो रेट की है, रेट आपको भी पता है कि अभी मार्केट तेज़ चल रही है, कि कई लोग बोलते हैं कि मंदी चल रही है, वो है मंदी सिर्फ क्रॉस ब्रीड की गायों में होती है। भाई ब्रीड की गायें, जनरेशन की गायों के में कोई मंदी नहीं होती है। जो सोना है, सोना हमेशा वो बढ़ता ही रहता है, खरा सोना जो होता है, तो इनके रेट कभी कम नहीं होते। चाहे आज ले लिए, चाहे दिसंबर जनवरी में ले लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे ये तैयार होती जाएगी इनका रेट बढ़ेगा, ना कि कम होगा। सो एक हमारे पास एक मिल्की की गाय है, हम उसकी भी आपसे परिचय कराते हैं, कि दिखाते हैं उसकी भी वीडियो, कि आप चेक करिए कि जो मिल्किंग की गाय है, 3 टाइम की अभी मिल्किंग चल रही है उसकी, और लगभग 38 से 40 लीटर दूध पे चल रही है अभी भर गर्मी में। 38 से 40 लीटर दूध पे चल रही है। आप देखिए कि इसकी 11:30 बजे मिल्किंग हो चुकी है, फिर शाम को फिर 7 बजे 8-8 घंटे के बाद मिल्किंग होती है। तो आप क्वालिटी चेक करिए गाय की, आगे पीछे वेंस चेक करिए, तो खुद ही आपको पता लगेगा कि गायों की क्वालिटी क्या है। सभी एक ही फार्म से गाय जो है हम लेके आए हैं आपके लिए, और जल्द से जल्द बहुत सारे बेंगलोर से हमारे को बहुत कॉल आ रही थी हीफर्स के लिए। सो बेंगलोर के लोग या महाराष्ट्र के लोग जहाँ के भी है, मतलब के संपर्क कर सकते हैं, जिसको रिक्वायरमेंट हो हीफर्स की लेटेस्ट जनरेशन की, वो जोली डेयरी फार्म के साथ संपर्क कर सकता है। सभी जो हीफर है उनका रिकॉर्ड जो है टैग के ऊपर लिखा हुआ है, PDF है स्टॉइक के सीमन के, आप देख सकते हैं। पूरा जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सभी हीफर पे उनका रिकॉर्ड लिखा हुआ है, कौन से टैग की है, और इनका मदर का जो नाम है, जो सीमन इनका मदर का था, वो बैक साइड पर लिखा हुआ है। सो सारे के सारे आप टेस्ट करा सकते हैं, अपना ब्रूसेला का, किसी भी तरह का प्रेगनेंसी टेस्ट भी करा सकते हैं, हर एक तरह का, आप अपने जिसने पैसा खर्चना है। सो तसल्ली करके आप एनिमल्स परचेस कर सकते हैं। और कहना यही चाहता हूं कि जो किसान भाई अगर नई जगह से गाय खरीद के अपने घर पे लेके जाते हैं, तो प्लीज़ उनको ना कर, क्यों करना है, तो उनको इसी प्रकार खुली जगह पे छोड़ के तो आप स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं इन गर्मियों में। क्योंकि अगर जब गाय एक बार स्ट्रेस से निकल आती है तो हमेशा सेट हो जाती है, जब स्ट्रेस से नहीं निकल पाती तो वो सेट नहीं हो पाती। कई लोगों के पास जगह नहीं होती है बांधने के लिए, ये खुली छोड़ने के लिए, उन लोगों को, किसान भाइयों को बहुत दिक्कत आती है। पक्की जगह पे ऐसे कच्ची जगह, पूरा खुला मैदान इस प्रकार का अगर उनको मिले, तो फिर बहुत बढ़िया आपको रिज़ल्ट मिलेगा गायों को सेट करने के लिए। तो इस प्रकार क्या होता है कि टेम्परेचर नहीं चढ़ता गायों को, बहुत कम टेम्परेचर चढ़ता है, और नेचुरल ग्रासिंग करती है अपने आप, ये घास खाती रहती है गायें इस प्रकार, तो बहुत फ़ायदेमंद ये चीज़ें होती है। क्योंकि जो नेचुरल चीज़ है वो नेचुरली होती है, हम बांध के रखते हैं तो उसमें बहुत दिक्कत आती है गायों को सेट होने में। सो ये तो आज की हमारी वीडियो थी, आपको कैसी लगी हमारे हीफर्स गाय, किस प्रकार के लगे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और इसी प्रकार प्यार देते रहिएगा जोली डेयरी फार्म को। और जो किसान भाई पहली बार जुड़े हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, साइड पे लगी हुई बेल आइकन है जो, उसको लाल घंटी को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है जोली डेयरी फार्म, आप उसको भी कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली मैं रोज़ ही नई गायों के अपडेट करता रहता हूँ। यूट्यूब कम चलाता हूँ और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा हमारा चलता रहता है, तो आप संपर्क कर सकते हैं वहाँ पे। सो नई वीडियो लेके जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।